और इवन सुशांत सिंह के बारे में कहूँगा मैं कि वो इतना कमज़ोर बंदा नहीं था, वो सुसाइड नहीं कर सकता है। ज़रूर कुछ इसमें गहरी चाल है, कुछ धोखेबाजी है, इसका पता हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ सरकार से, पुलिस से और CBI से कि प्लीज़ जल्द से जल्द निकाले, क्योंकि सुशांत सिंह एक प्रेरणा स्रोत थे, आइडल थे, वो ऐसे आत्महत्या नहीं कर सकते। और एक चीज़, जिस तरह सुशांत के साथ हुआ सुसाइड और सब, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, क्या थॉट्स हैं आपके एज एन एक्टर? लिसन, आई एम रियली फीलिंग बैड दैट वी लॉस्ट अ फैंटास्टिक एक्टर, अमेजिंग पर्सन, बट पर्सनल चीज़ें मैं जानती नहीं हूँ, सो आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट अबाउट दैट। आई ओनली कैन जस्ट से कि उसको जस्टिस मिले, दैट्स ऑल आई कैन से, एंड आई एम श्योर हमारी गवर्नमेंट और CBI विल डू द जस्टिस, दैट्स ऑल। बट फॉर आर एज एन एक्टर, एज ए इंडस्ट्री, वी लॉस्ट अ फैंटास्टिक एक्टर। आई एम सो सॉरी, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, एंड नॉट ओनली हिम, इतने सारे एक्टर्स ने सुसाइड किया है जिनके बारे में पता नहीं है, उन सबके बारे में आई फील वेरी हैवी फॉर देयर फैमिली। गाइज डोंट गिव अप, जस्ट अ फेज, ये निकल जाएगा। मतलब लोग क्या हो रहे हैं ना, एंजाइटी फील कर रहे हैं और दे आर गिविंग अप, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू द सेम थिंग, सो काम डाउन, हैव फेथ इन गॉड एंड हैव फेथ इन योरसेल्फ। लव यू ऑल, थैंक यू। इसके अलावा जिस तरह का माहौल चल रहा है उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? हंसने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसा लगता है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हंसने की, यही वजह है कि TV पे कॉमेडी शो शुरू होते जा रहे हैं और लाफिंग कलर्स खुलते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मेरा खुद का YouTube चैनल है सुनील पाल ऑफिशियल, उस पर मैं कॉमेडी शोज देख रहा हूँ। मैं अभी हम लोग कॉमेडी फिल्म बनाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है लॉकडाउन टू अनलॉक, इसमें जो जो चीज़ें हुई उसको हम लोग कॉमेडी के जरिए पेश करने जा रहे हैं। और सुसाइड करना मुझे लगता है नहीं कि किसी की समस्या का समाधान है, और इवन सुशांत सिंह के बारे में कहूँगा मैं कि वो इतना कमज़ोर बंदा नहीं था, वो सुसाइड नहीं कर सकता है। ज़रूर कुछ इसमें गहरी चाल है, कुछ धोखेबाजी है, इसका पता हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ सरकार से, पुलिस से और CBI से कि प्लीज़ जल्द से जल्द निकाले, क्योंकि सुशांत सिंह एक प्रेरणा स्रोत थे, आइडल थे, वो ऐसे आत्महत्या नहीं कर सकते। आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती के ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया है आज तक, तो उसके अंदर उन्होंने खुद को बेकसूर बताया, तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, बेकसूर बताना तो हर किसी का हक है। अब तो CBI की जांच चल रही है, CBI एक मान्यवर संस्था है, मुझे ऐसा लगता है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है, चाहे किसी ने भी किया हो, सुशांत सिंह के साथ में धोखेबाजी हुई है, सुशांत सिंह के साथ में उसके अच्छेपन का फ़ायदा उठाते हुए उसे नशीली दवा देकर उनकी हत्या की गई है, ये बात मैं मानता हूँ और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ऐसा मेरा मानना है कि इसका सही तरह से इसकी जांच हो। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आप जब सब जियो हज़ारों साल, कोरोना से अपना खुद को संभाल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल, क्योंकि बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीज वायरस ने MT कर दिया कोना कोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना, बंद हो गया शॉपिंग मॉल, लॉक हो गया सिनेमा हॉल, मास्क बिक रहा मार्केट में विथ सैनिटाइजर डेटाल, ऊंचे शेयर मार्केट को हाय हाय हाय, अरे ऊंचे सेंसेक्स मार्केट को तूने कर दिया है बोना, गो कोरोना, गो बैक कोरोना। इसके अलावा बहुत ही अनफॉर्चुनेट था जो सुशांत के साथ हुआ, किसी के भी साथ हो सकता है, एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट? See, I definitely feel what happened with Sushant is very, very unfortunate, and आई जस्ट होप एंड प्रे कि इसका जो भी इसका सही एक जजमेंट है वो निकले, एंड आई एम होपिंग एंड आई एम रूटिंग कि उसका सही जजमेंट निकले, और अब CBI इज़ देयर नाउ, सो आई एम होपिंग दैट वो उसका एक सही रिजल्ट निकालेंगे। जी, सो आई विल स्टे गेट बैक टू द फिल्म विच आई वॉज शूटिंग फॉर, आई एम शूटिंग फॉर अ फिल्म कॉल्ड बगावत, ये लखनऊ में है, एंड सो आई गेट बैक इन अक्टूबर शूटिंग दैट, एंड आई एम शूटिंग फॉर अ वेब सीरीज कॉल्ड हु एम आई, सो दीज आर द टू प्रोजेक्ट्स आई एम डूइंग राइट नाउ। बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है, तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं या फिर बहुत सारे लोगों की जॉब भी? लेट्स स्टिक टू द लूफा दिस ना, लेट्स आज उसके लिए आए तो उसी के बात करें, मेरी मैसेज फॉर द ओनली, लेट्स टॉक टू अबाउट बी पॉजिटिव, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है लाइफ में,
कोशिश करिए, क्योंकि नेगेटिविटी तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी लाइफ में नहीं या किसी के, सब हर एक को कोई ना कोई तकलीफ है, तो ट्राई टू बी पॉजिटिव, बस मैं तो यही कहूँगा। अरे बहुत बढ़िया, बहुत सारे कमाल के एपिसोड्स हो रहे हैं अभी। अजय अतुल के साथ भी बहुत बढ़िया एपिसोड हुआ हमारा, वो आप देखेंगे अभी टेलीकास्ट होने वाला है, तो लॉट ऑफ फन बाय गॉड्स ग्रेस। अच्छी TRPs हैं, लोग पसंद कर रहे हैं शो को, तो वी आर वेरी हैप्पी। हम उतना ही हार्ड वर्क करते हैं, हम सभी लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं। कश्मीरा मैम, आपका डायरेक्टर डेब्यू हो चुका है, अब जी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो आने वाले समय में क्या हो सकता है कि टिकड़ी हमें फिर से दिखाई दे? 100%। इनफैक्ट मेरी एक फिल्म कृष्णा के साथ है और एक फिल्म ऋषभ के साथ है। कृष्णा की फिल्म का टाइटल बता दें, हाँ, श्रीमान ऐश्वर्य राय, ये टाइटल है इसके फिल्म का, और इसके फिल्म पे अभी स्क्रिप्टिंग चल रही है, तो यू विल सी देम सेपरेटली इन टू फिल्म्स एंड होपफुली टुगेदर इन अ थर्ड फिल्म। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जिस तरह की नेगेटिविटी चल रही है, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, बहुत सारे लोगों के जॉब्स चले गए, व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट, जो डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज? सी, आई जस्ट फील कि अपने आप को किसी ना किसी तरह से बिजी रखना चाहिए और कोई ऐसी एक्टिविटी करते रहनी चाहिए जो आपको पॉजिटिविटी दे, और बी एट योगा, बी एट कहीं पे रनिंग या साइकिलिंग, या आपको कुछ बनाइए, कुछ पेंटिंग करिए, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ पकड़ के रखिए जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, बिकॉज ये समय ऐसा है जो बहुत जल्द आपको अंदर अपने अंदर ले सकता है, नेगेटिव कर सकता है। सो योर माइंड नीड्स टू बी वेरी पॉजिटिव एंड लेट्स होप दैट थिंग्स गेट बेटर सून एंड वी विल ऑल बी बैक टू वर्क।